मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने वाले हैं। एक ओर जहां केंद्र की बीजेपी सरकार 9 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और 9 साल की अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आर पार की लड़ाई पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पर 9 सवाल पूछ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया है और इस बुकलेट का नाम 9 साल 9 सवाल रखा है और इसको लेकर कई बड़े शहरों में आगामी दिनों में प्रेस वार्ता करेगी। बता दें, नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल पूरे होने वाले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री से 9 सवाल पूछ रही है और जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब देकर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल विफलता और दुखों से भरे रहे हैं। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था और किसानों और कोरोना महामारी, अडानी, चीन समेत तमाम मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, चीन को क्लीन चिट क्यों दी समेत 9 सवाल किए हैं। वहीं इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे वे झूठ का पुलिंदा है। आइए आपको सुनाते हैं वार पलटवार। मैं आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी, क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो त्रासदी बनकर उभरी है, क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका, और उस अहम हिस्से में बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का वो तांडव देखा है इस देश ने, और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई त्रासदी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 साल पूरा होने पर शायद 9 सवाल पूछे गए, पहले तो मन में विचार आया उसको इग्नोर किया जाए, लेकिन वो झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा है कि रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना और साफ करना दोनों जरूरी था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सवाल किए गए हैं, इट इज अ बंडल ऑफ लाई एंड माउंटेन ऑफ डिसेप्शन। ये 9 सवाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के खींच से भरे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नफरत से उपजे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, जिसमें देशबंधु दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वहीं मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं और कपीर श्रीवास्तव सपा से अपना पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है वीकेंड चर्चा में। तो देशबंधु दीक्षित जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आपका 9 साल बेमिसाल का नारा, वहीं कांग्रेस आपके 9 साल पर सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी का कहना है झूठे वादों और जनता की दुर्दशा से भाजपा ने 9 साल की इमारत खड़ी की है।
आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। सर्वप्रथम बहुत प्रतीक्षित चर्चा में उसकी बात करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 9 वर्ष जो बेमिसाल हैं उसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रही बात आपने जो 9 क्वेश्चन प्रश्न उठाए हैं, आपकी आवाज इको कर रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ तो ये जो 9 उठाए हैं तो निराधार है। देखिए विपक्ष हमेशा आपने देखा होगा 9 वर्षों में केवल उन्होंने देशबंधु जी की आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है, उससे पहले रुक करूंगी मैं कांग्रेस से मलिक जावेद जी का। ये खाना पूर्ति है क्या? आपने 9 सवाल कर दिए, 9 वर्ष हुए तो 9 सवाल कर दिया जाए। पूछे ही हैं, लेकिन 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं भाजपा वाले, होना ये चाहिए था 9 साल 900 झांसे। झांसा नंबर 1 क्या दिया था उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कि 2022 तक सब गरीब लोगों को पक्का मकान मिल जाए, नहीं मिला। फिर एक झांसा दिया था इन्होंने कि जितने भी किसान है देश में सबकी आय 2022 तक डबल हो जाएगी, नहीं हुई। फिर इन्होंने नोटबंदी की थी कि काला धन आ जाएगा, नहीं हुई। अब ये अर्थव्यवस्था पे कुछ आपका रोशनी डालना चाहूंगा, देश की अर्थव्यवस्था क्या है। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई रिपोर्ट के हवाले से है। आरबीआई रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट होती है जो हर साल आरबीआई जारी करता है, उसमें कहा गया है कि पिछले 14 प्रधानमंत्री ने पिछले 63 साल में केवल 55 लाख करोड़ का लोन लिया था, लेकिन ये मोदी जी से है जिन्होंने 9 साल में 100 लाख करोड़ का लोन ले लिया। पिछले 9 सालों में 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा बैंक फ्रॉड हुए हैं। पिछले 9 सालों में 12 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए हुआ है। पिछले 9 सालों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के। ठीक है जावेद जी, पहले भी आप ये तमाम मुद्दे उठा चुके हैं, हमेशा से विपक्ष और कांग्रेस ये तमाम मुद्दे उठाते रही है, लेकिन इस तमाम मुद्दे को लेकर जमीन पर कब उतरेंगे, सत्याग्रह कब करेंगे? सत्याग्रह करा पूरे देश में हमारे नेता कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले और उसका आशीर्वाद कर्नाटक की जनता ने दिया। अब जो मध्य प्रदेश में बेईमानी की सरकार चल रही है वो उसको भी हटाएंगे। लोग समझ रहे हैं हमारी बात, क्योंकि सत्य जो है वो कभी हारता नहीं है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो रविशंकर प्रसाद है वो कह रहे थे ये बंच ऑफ लाइन्स है हमारे नौकरों की, महंगाई पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हमारे वक्त में सिलेंडर 410 का बिकता था, आज ये 1150 का बेच रहे हैं। तो क्यों आप नहीं उतरते इन मुद्दों को लेकर जमीन पर, क्यों नहीं उतरते हैं? मैडम जमीन पे होते तभी तो चुनाव जीते कर्नाटक का, हिमाचल में जनता ने। सर यूपी की बात करिए ना, यूपी की बात करिए, कर्नाटक को साइड में रखिए, यूपी की बात करिए। यूपी पे भी उतरेंगे, पूरे देश कब उतरेंगे? महंगाई अभी बढ़ी हुई है, कब उतरेंगे? महंगाई हर पल उतर रहे हमारे नेता, 1244 दिखाई तो नहीं दे रहे हैं सर, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हम आंदोलन की बात करते हैं योगी जी एकदम 1144 लगा देते हैं, हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। आप फ्री कराइए 1144 हटवाइए, अभी सड़कों पे आ जाएंगे हम लोग। सड़क पे तो आप आए थे जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, तब आप सक्रिय नजर आए थे, सत्याग्रह हुआ था, लखनऊ में हुआ था आंदोलन, ये जनता के मुद्दों के लिए क्यों नहीं उतरते हैं? जनता के मुद्दे ही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनता के मुद्दे ही तो है जो उन्होंने झांसे दिए 9 साल में। मेरे पास तो 900 झांसे हैं इनके, आपने मुझे बीच में ही रोक दिया। और झांसा सुन लीजिए, डॉलर 83 का हो गया है। इन्होंने कहा था मैं शासन में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि अर्थव्यवस्था इतनी नीचे नहीं गिरती है। आज अर्थव्यवस्था गिर रही है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही, बताइए किसकी गरिमा गिर रही? 83 का डॉलर हो गया, पूरी दुनिया में सबसे महंगा अगर एलपीजी बिक रहा है तो भारत में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? आप तो विश्वगुरु बनने वाले थे। इनके पर्यटन मंत्री ने संसद में कहा कि केवल पर्यटन क्षेत्र में 2 करोड़ रोजगार गए, वादा तो 2 करोड़ का नौकरियों का किया था इन्होंने, क्या हुआ उसका बताइए? और ये कह रहा है कि हमारे सवाल जो है वो झूठे हैं। जावेद जी लगातार आप अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो लगातार गिना रहे हैं कि सारी चीजें डबल हो रही हैं, कई बड़े कामों को उन्होंने गिराया है, यहाँ तक कि मंत्री भी अब उतर कर बता रहे हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आप लोगों को नजर नहीं आता 2011 में तो 3रे नंबर पे थी मैडम, ये तो और घटा दी इन्होंने।
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज तो देश से 150 लाख करोड़ का लोन कर दिया इन्होंने। तो ये झूठ बोलते हैं और कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस झूठ बोलती है। झूठ तो आप बोलते हो, किस चीज में हम इस गुरु बने बताइए, भुखमरी में, महंगाई में, बेरोजगारी में, किस चीज में? अभी मोदी जी विदेश से आए हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बढ़ रही है और विदेशी दौरों से फायदा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जिस दिन आए उसी दिन मक्की यूनिवर्सिटी ने 5 राज्यों को बैन कर दिया कि यहाँ के छात्र वहां पढ़ने नहीं जा सकते। उसमें उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी और जम्मू कश्मीर भी है। तो मोदी जी वहां इवेंट मैनेजमेंट करने गए थे या देश से कोई संधि करने गए थे? कौन से विदेश में कौन सी संधि हुई वो मुझे बता दें जी। ठीक है, एक काम बता दें, कौन सा काम किया इन्होंने 9 सालों में? हाँ, एक काम किया इन्होंने, उद्योगपतियों का तुष्टीकरण किया है, बस और कोई काम नहीं किया जी। ठीक है कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी क्या राय है? कांग्रेस तो बुकलेट के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। देखिए मयूरी, सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि जितनी भी नीतियां इन्होंने बनाई, एक का भी क्रियान्वयन पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से नहीं कर सके। बहुत ज्यादा इको हो रही है, सही कर रही है, इस यार से बोलिए, बहुत ज्यादा इको। ठीक है, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं। देशबंधु जी, आपने मलिक जावेद जी को सुना, उन्होंने कहा कि 9 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ। नहीं देखिए, मलिक जी का व्यक्तिगत आकलन है, अगर 2014 से लेकर 2019 तक पहले कार्यकाल की बात कर ले प्रधानमंत्री की, तो इतने सारे कार्य हुए जिसकी परिणति हुई कि 2019 के आदुबारा आम जब चुनाव हुए तो यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ। अब बात हुई दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष की, तो पहले 5 साल का तो रिपोर्ट कार्ड था कि भारतीय जनता पार्टी की और भारत देश के 135 करोड़ लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद देके दूसरा कार्यकाल दिया। आप रही 9 साल के बेमिसाल कार्यकाल के, इनको कार्यकाल नहीं हो, चाहे लोगों को बिजली देने का मामला हो, चाहे सड़क के गड्ढे पाटने हो, चाहे सबसे बड़ा सवाल हो, 9 साल में जो इनका जिसके कारण इनकी सरकार बाहर गई थी 2014 में, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार पर नहीं लगा पाए, ना उनके मंत्रिमंडल पर लगाए। और रही बात जितने विवादित मुद्दे, 60 साल तक विपक्षी कांग्रेसी नेताओं ने देश के राजनीति की, चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे पूर्व सैनिकों को सम्मान और उनके पेंशन का मामला हो, चाहे बिजली पानी सड़क का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट, इनके शासन काल में 60 साल में जितने एयरपोर्ट नहीं बने, 9 साल में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने। जनधन खाते इनके 60 साल में जितने नहीं खुले, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने खोले। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत, आप बताइए कितने शर्म की बात है, जो महिलाओं को इज्जत घर देने का काम है वो 60 साल की विपक्षी सरकार नहीं आज ये प्रश्न उठा रहे हैं। नकारात्मक राजनीति करना और केवल व्यर्थ के आरोप लगाना, यही कांग्रेस की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे हैं, वो अपने तमाम कामों को गिना रहे हैं, आप इन 9 सालों को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का तो काम है सवाल खड़े करना और जो सत्ता पक्ष में है उनका तो काम ही है अपनी पीठ थपथपाना, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मयूरी जी, कि अगर हम ये कहें कि भाजपा ने 9 सालों में कोई कार्य नहीं किया तो ये उचित भी नहीं है। कार्य हुए भी, लेकिन महंगाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोगों को ऐसे धरातल पर गिरा दिया है। आज सिलेंडर 1200 का मिल रहा है और कोई विपक्ष उस चीज को उठाने वाला नहीं है रोड सड़क के ऊपर कि जनता 1200 सिलेंडर कैसे ले रही है। अभी हमारे देशबंधु जी कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे सिलेंडर दिया आपने, लेकिन आपने ये सोचा जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं वो कैसे सिलेंडर को भराएंगे? सिलेंडर 1200 का हो गया है, महिलाएं तो परेशान है, पुरुष तो परेशान है। आप बताइए कोरोना से लेकर के मयूरी जी शिक्षा के क्षेत्र में न फीस मीडियम क्लास की माफ हुई, न बिजली बिल माफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मीडियम क्लास को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अपने कार्यकाल में मारी डाला, और जितना मीडियम क्लास परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, इतना कोई परेशान नहीं है। न शिक्षा में छूट, न आप समझिए बिजली बिल में छूट। मैं अपने विपक्षी मित्र से पूछूंगा। विपक्षी मित्र नहीं, देशबंधु जी, ये मैं विपक्षी मित्र नहीं हूँ, ये
नौ वर्षों में मैंने अपने कार्यकाल तो बता दिए, विपक्षियों ने 60 वर्ष तक क्या किया आप बताएं। देशबंधु जी, सुरेंद्र के दावों को लेकर सुनील त्रिपाठी का एक ना एक ही तरफ की बात है। मैं एक कंप्लेंट करते करते थक गया, मेरे गांव की रोड नहीं बन पाई, गड्ढे कहां बने हैं। एक एक कर आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस ने क्या कर दिया? देशबंधु जी, सिलेंडर के दामों को लेकर सुनील जी ने कहा है, सवाल उठाया है, उसको लेकर जवाब दे दीजिए। देशबंधु जी, लेकिन सिलेंडर 1200 का कांग्रेस पीरियड रहा हो तो आप बता दीजिए। आप भी राजनेता हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुझे भी 30-32 साल पत्रकारिता करते करते हो गया, लेकिन 1200 का सिलेंडर कभी बिका हो बताइए आप हमको। नहीं, मैं आपको बता दूं, सुनिए जी, आप अगर इस बात का जवाब देंगे, नहीं उतार चढ़ाव आता है, इतनी बड़ी कोरोना की विविशता आई और जिस सिलेंडर को आप काम करते हैं, आप इस बात का श्रेय देंगे कि इस भारत जहाँ पे मेडिकल की एक से एक बड़ी व्यवस्था रही और बड़े से बड़े विकसित देश भी त्राही त्राही किए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व था कि कोरोना काल में 135 लाख, उसका श्रेय देंगे कि नहीं? ये विपक्षी तो नहीं देते, बिल्कुल देंगे। मुझे मैंने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है, ये मैंने कह रहा हूँ। 60 साल तक जो महिलाएं चूल्हा जला जला के जिनकी आंख खराब हो जाती थी, कैंसर, मेरे भाई सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं, जरा ग्रामीण अंचलों में जाकर देखिए कि आर्थिक स्थिति आदमी कितनी गिर गई है, रोजगार है नहीं। एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। घोटाला हो गया, कांग्रेस का पर्यावरणीय घोटाला नाम हो गया, उस पर प्रश्न नहीं है। हाँ, 9 वर्षों में सुधार की गुंजाइश होती है, मैं मानता हूँ। आप बता दिए, देशबंधु जी, किसी मीडियम क्लास के बच्चे की फीस माफ की गई हो या उसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स माफ किया गया हो तो आप बताइए हमको। नहीं, मैं मानता हूँ, बताइए, मानता हूँ कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के, हम जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं और ये इस बात का द्योतक है कि 35 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार है। देखिए, प्रयास करते हैं, कमी हो सकती है। आप ही मेरे पर मित्र है, मेरे 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, ये महंगाई आप कहीं न कहीं समस्या पैदा करेगी। देशबंधु जी, जनता बहुत परेशान है, जरा जनता बीच जाके देखिए, मेरे मित्र उससे पूछिए। निरंतर काम चल रहा, देखिए इस बात का चलेगा, देखिए महंगाई आ रही है, महंगाई के विभिन्न मुद्दों पे हम बहुत सारे, हमारी योजनाएं चल रही हैं और आप निसंदेह देखिएगा कि आने वाले समय में महंगाई जो मुद्दा है, अगर देश के बड़े से बड़े जघन्य मुद्दों को भाजपा ने स्वीकार किया तो महंगाई का भी मुद्दा भी होगा। और महंगाई का मुद्दा ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, जब एक से एक बड़े मुद्दे सॉल्व किए भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हो, ये सराहनीय कार्य है। आप बता दीजिए, यह कहा कि नकारात्मक, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, यह कहा कि नकारात्मक है कि जो शहीद होता है उसके लिए आप प्रश्न पूछते हैं? अरे शहीद की शहादत पे आपको विनम्रता और श्रद्धांजलि देने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं? इस तरह जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद बढ़ाकर कभी भी देश तरक्की के रास्ते पे नहीं चलेगा। हम मानते हैं हमारे प्रयास में कमी रह गई होगी और हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए आने वाले समय में महंगाई पर भी हम कंट्रोल करेंगे। जी ठीक है कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी क्या राय है? कांग्रेस तो बुकलेट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने निकाय चुनाव में वॉकओवर दिया है। किस तरीके से आप कह रही हैं कि वॉकओवर दिया? किस तरीके से आप मानती हैं कि आपने नहीं दिया है? 98 उन्होंने जीते तो 75 हमने भी जीते, आप उठा के देखे ना, अगर 750 उन्होंने जीते हैं तो 550 से ज्यादा हमने जीते, और 2022 में 80 सीटें कम कर दी, 210 सीटें ऐसी रही हैं जो मात्र 200 से 1000 वोटों से हमें हराया गया है प्रशासन के द्वारा। अभी देखिए गोरखपुर महापौर के पद पर प्रशासन के द्वारा हराया गया, 84,000 वोट गिरे थे, वो तरबूज बिल्कुल हराया गया, इसमें कौन सी विधवा हमें हराया गया है, ये हम जीते हुए 351 सीटें ऐसी थी जहां पे बैलेट से जो कर्मचारी या बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने वोट डाले थे उसमें हम 351 सीटें पे हैं आगे से। तो ये बहुत सीधी सी बात है, आज हाई कोर्ट के अंदर गोरखपुर का हमारा महापौर का प्रत्याशी गया हुआ, क्योंकि 364,884 मत पड़े थे
और गिनने के बाद वो 5,20,000 हो गए। ठीक है, ये तो निकाय चुनाव की बात हो गई, ये तो बताइए। ठीक है कपीश जी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक बार फिर से हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे, 300 के पार जाएंगे, इन्हीं 9 साल के कामों के आधार पर उन्होंने कहा है। अरे भाई, इसी के काम के आधार पे पश्चिम बंगाल हार गए, इसी काम के हार पे जो है ये हिमाचल हार गए, अभी जो है इन्होंने कर्नाटका हार लिया, पंजाब हार गए, एमसीडी का दिल्ली हार गए। पूछिए ना अमित शाह से, कहा है अमित शाह, पूछिए। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, बात करती गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की भी बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जहां आप आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर जो है इन्होंने जबरदस्ती सरकार गिराई और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इनको आईना दिखा दिया। अरे आपकी लोकतंत्र ने गिराई, आपके लालच ने गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई। भारतीय जनता पार्टी आज भी सतत्तर जनता की सेवा में समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी ने शर्म और आपकी लूट, राजस्थान की लूट का चोट के बारे में बता दीजिए, अपने घोटाले बता दीजिए। कोर्ट की पीठ कह रही है कि अब कौन सा नहीं, अब कौन सा नया घोटाला करने वाले हैं। घोटालों के सारे कीर्तिमान तो आप लोगों ने स्थापित कर दिए, चूल्हे हिला रहे हैं जबरदस्ती के, और सारे असफल प्रयोग कर लीजिए। ये आपको दिखाई और नेता होगा ये बता दीजिए सरकारें, और संवैधानिक पीठ ने इनको इतना बढ़िया आईना दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर शर्म हो तब तो ये हया अपनी देखें, ये तो बेशर्म लोग हैं, इनसे ज्यादा लोकतंत्र में बेशर्म कोई पैदा नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप राष्ट्रपति को महामहिम राष्ट्रपति को अपशब्द कहें, आप लोकतंत्र के चुने गए प्रधानमंत्री को अपशब्द कहें, यही आपकी मानसिकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट जी, ठीक है सुनील जी, विपक्ष की सक्रियता को आप कैसे देखते हैं? भाजपा का प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए मयूर जी, अगर विपक्ष सक्रिय होता तो जनता की दुर्दशा न होती। हमने अपने पत्रकारिता जीवन काल में वो भी दौर देखा है, सरकार के 9 साल पर तो सक्रिय नजर आ रहा है सुनील जी। देखिए 9 साल की उपलब्धियों तो सक्रिय आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कब आता है? या तो विपक्ष के किसी बड़े नेता पर कभी कोई हमला होता है तो आता है, या कहीं किसी मामले में फंसता है तो आता है। जनता के लिए अगर कोई विपक्ष आ रहा हो मयूर जी, हमने तो नहीं देखा असला जनता के लिए कोई विपक्ष आया हो। यही समाजवादी पार्टी जनता के हितों को लेके हजरतगंज चौराहे पर लाठियां खाई है, मैंने भी देखा है। कांग्रेस रीता बहुगुणा जी को लाठी खाते मैंने अपने आंख से देखा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 5-6 सालों से कोई दल जनता की आवाज को लेकर के, उसकी समस्याओं को लेकर के सड़क पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि जब विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता दल कोई भी हो वो मदमस्त हो जाएगा। और आज विपक्ष की आप भूमिका देख रही है, किस तरह विपक्ष की भूमिका है, केवल ट्विटर से और ऑफिस में बैठ करके, इसके अलावा कोई नहीं है। वैसे ही जनता का मैं देख रहा हूं, चुनाव समय रुझान कम हो रहा है, आप ट्विटर से ट्वीट करते हैं, जनता घर से बाबा कर रही है। वोट क्यों कम पड़ रहे हैं? इसलिए जनता जान रही है कि न जीता हुआ प्रत्याशी मेरे पास आता है, न हारा हुआ प्रत्याशी मेरे पास आता है। जनता करे तो करे क्या मयूर जी, इस समय आप जरा किसी लोगों के साथ बैठ देखिए, जनता बहुत परेशान है, क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ इस बंधु जी से कह सकता हूं कि आपके दर्जनों मंत्री ऐसे हैं जो पत्रकारों से नहीं मिलते हैं, जनता से क्या मिलेंगे, जनता क्या सेवा करेंगे? आपकी सरकार में पत्रकारों को सचिवालय जाने के लिए पास कैंसिल कर दिए गए, कितना बड़ा जुल्म करेंगे आप मीडिया के साथ? जो मीडिया जनता की आवाज लेके आपके वहां पहुंचती थी, आपकी आवाज जनता तक पहुंचाती थी, आज सचिवालय के अंदर इन्हें गिने चंद पत्रकारों के पास बन रहे हैं। छोटी मीडिया को एकदम खत्म कर दिया है आपने, आखिर ये कब तक आप करते रहेंगे? और इसका हश्र मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि आपको आगामी चुनाव में निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ बेहद करता हूं, जो उन्होंने कार्य किया है वो मयूर जी असराहनीय है। लेकिन चमचों से घिरी हुई ये सरकार आज मीडिया को, जो मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी लोग थे मीडिया के, उनको भी बाहर कर दिया गया है, और सचिवालय पास बनाने का ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि छोटी मोटी मीडिया अंदर घुस नहीं सकती है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपके पहरेदार हैं वो ही नहीं जा पाएंगे अंदर, तो आगे आपकी खबरें जनता तक कैसे पहुंचेगी? ये एक यश प्रश्न है आपकी सरकार के लिए। और न हो देश बंधु जी तो आप जरा प्रमुख सचिव सूचना से पूछ लीजिए या संबंध सूचना विभाग के अधिकारियों से पूछ लीजिए, ऐसा दौर कभी नहीं आया है कि छोटे पत्रकारों को सचिवालय के अंदर प्रवेश ना मिले। जब आप एलआईयू जांच कराते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, तो सचिवालय पास उनके अखबारों को भी अंदर बढ़ना चाहिए, जो निष्पक्ष खबर लिखते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री जी देखते हैं।
ऐसे ऐसे मीडियम क्लास साथ आप दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं एक बार मयूर जी कि मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, चाहे मीडिया का हो चाहे समाज का हो, इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा 24 के चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। आप मयूर जी एक सेकेंड, आपने देखा कर्नाटक, कर्नाटक में सारे हमारे लीडर्स पहुंचे उत्तर प्रदेश के, लेकिन जनता ने नकार दिया। कारण है कि अब आदमी पहले अपनी पेट की आग बुझाएगा कि आपके चतुर्भुजी विकास को देखेगा, न रोटी है लोगों पास में, रोजगार है, और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि किचन भी चलाना मुश्किल लोगों को हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगामी चुनाव में फिर कांग्रेस ही बढ़त नजर आएगी उत्तर प्रदेश में। जी ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे है मलिक जावेद जी। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी विरोध में कांग्रेस को सिर्फ गलत ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल झूठ कहा उन्होंने, क्योंकि हम तथ्यों पर आंकड़ों पर बात करते हैं। हमने इनकी रिपोर्ट बताई, आरबीआई की रिपोर्ट बताई, इनकी सरकार की रिपोर्ट बता रहे, कौन सा सेक्टर है। मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा और देना चाहूंगा, इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, हर जगह बब्बर शेर खड़ा कर दिया था। चाइना से $100 बिलियन का आयात हो रहा है एक साल में, यह सरकारी आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा बताऊं मैं आपको, नोटबंदी का आता कि इन्होंने देश से काला भ्रष्टाचार मिटा दिया, अपने ही चलाए हुए नोट नाप को बैन करने पड़ रहे। तो ये तो इनका नोटबंदी मान लिया इन्होंने कि विफलता थी इस सरकार की। और किसानों की हालत देख लीजिए, डीएपी खाद का कट्टा 600 रुपए का आता था, 750 रुपए का आज 2000 का आता है। बिजली के बिल देख लिए, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश की है। कहीं नहीं जाइए आप, उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है। और जो माननीय जो हमारे पत्रकार बंधु जो बोल रहे थे, वो आज बिल्कुल सच बयान कर रहे थे कि जनता इतनी परेशान है, उनके पास 60 वर्षों में ले, अरे आपके तो एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपए लेते हैं तो नीचे आते आते 15 पैसे होते हैं, या उन्होंने स्वस्थ कांग्रेस के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए लोग बात करते हैं किसान की बात हो, युवा की बात हो, कौशल विकास की बात हो, आप सुनिए, आपको जानकारी नहीं है, केवल कमरे के अंदर ट्विटर खेलते हैं, न सड़क से लेकर संसद तक आपका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। और आप जो बार बार करते हैं विरोध, नकारात्मक विरोध को अगर आप करेंगे तो जनता जनार्दन आपको नकार देगी। उत्तर प्रदेश का भी स्थानीय चुनाव हुआ, आपकी जमानत जब्त हो गई, कहीं अखाता नहीं खुला, आप इस चीज को बार बार ध्यान में रखिए। जनता जनार्दन बहुत समझदार है और उसने ट्रिपल इंजन की सरकार बना के आशीर्वाद दिया, 5 राज्य रचे, हम मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन 4 राज्य आप हार रही हो। आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखिए ऐसा है मेरु जी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्य में कोई कमी नहीं रखी है, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात के लिए। देखिए जिस समय कोरोना काल आया, मुख्यमंत्री जी हर परिस्थितियों में जनता के साथ खड़े रहे, लेकिन उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रदेश में 50% 60% तो मीडियम क्लास के लोग हैं, आखिर उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी समय दिक्कत महंगाई की हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। उपलब्धियां तब गिनाइए जब उत्तर प्रदेश चुनाव खोपड़ी बैठा हुआ है, आप कुछ लोगों को राहत दीजिए। जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इनकी बात सहमत हूं कि बीज खाद इतना महंगा हो गया है कि किसान को खरीदने में मयूर जी छींके आ रही हैं। इसके अलावा कृषि विभाग में बीज माफिया इतना सक्रिय है कि नकली बीज मार्केट से खरीद करके बोरों में भर के बेचा जा रहा है। क्या शायद मुख्यमंत्री जी या कृषि मंत्री जी संज्ञान में ऐसा है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब नकली बीज मिलेगा तो और वो भी इतना महंगा मिलेगा मयूर जी, तो किसान क्या करेगा, उससे सस्ता बीज मार्केट मिल रहा है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, बताइए, कृषि मंत्री जी के संज्ञान में है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की टॉलरेंस की नीति है, कोई भी गलत आदमी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और आपने जो तारीफ की उसको मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस बात का पूरा प्रयास रहता है जनता जनार्दन की एक एक समस्या को जैसे बीज माफिया नकली बीज सप्लाई करते थे, आज वैसे ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में जो बीमारू राज्य था, आज विकास के पथ पे चल गया है, चाहे रोडों का जाल हो,
चाहे आपने पुलों का बौछार देखा हो, चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो पुधार के पद पर चल गया है वो बेहद तरह आगे बढ़ता जा रहा है। और ये इसका दोनों का से हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुखर्जी जी को दिया जा सकता है। और आपने जो आप मामले में द्वारा हजारों हजारों लोग स्किल कर रहे हैं और रोजगार मिल रहे हैं। हम समस्या के समाधान पर विश्वास करते हैं, समस्या पैदा करने पर नहीं कहते हैं। मैंने कहा जैसी कृषि होती वैसे ही वर्ती सोच होती है, केवल नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना मेरा है। देशबंधु जी, दो चीजें मैं दावे के साथ राष्ट्रीय चैनल बैठा कर रहा हूँ, कृषि यंत्रों की जांच करा दीजिए, बीज की जांच करा दीजिए, बीज का ये हाल है। मैं एक सेकंड मेरू जी लूंगा बीज के बारे में, उस तक देशबंधु जी को जानकारी ना हो। आज ये है कृषि विभाग के अधिकारी उस बीज को बाहर बेचते हैं, उनके वेतन से पैसा काटा जाता है सब्सिडी का। ये स्थिति कृषि विभाग की है। कराइए सीबीआई जांच, आप बहाल कराइए वहां पुलिस विभाग, जो पुलिस सेल पहले थी 2001 में मायावती जी ने खत्म कर दिया था। क्यों आज 9 साल लगभग हो रहे आप सरकार को, आप बहाल करा के देखिए किसानों का हाल न सुधर जाए तो कहिए। किसान सबसे बेहाल है, नकली बीज और कृषि यंत्रों में। फिर रिपीट कर रहा हूं कि कम से कम करोड़ों घोटाला किया गया है खाली कृषि यंत्रों की जांच करा के आप देख लीजिए, और अगर न निकले तो मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा, आप सामने कह रहा हूं दावे के साथ में। ये हाल है मित्र, मैं मित्र आपका मैं दर्द कह रहा हूँ, शीर्ष पटल पर यह समस्या है। लेकिन आपको बता दें, अगर आपको भी मालूम होगा तो अगर किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अगर ऋण माफ करने के लिए अगर सोलर पंप देने की व्यवस्था की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। हमने हर क्षेत्र में किसान के साथ, जवान के साथ हमारी सरकार है। और कुछ एक लोग जो आपने कहे कि अगर कोई दोषी है किसी प्रकार का है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार, ईमानदार जनता के लिए। किसी भी प्रकार की अगर जनता जनता को कोई समस्या होगी तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा संगठन ध्यान में रखेगा, हमारी सरकार की हर चर्चा रहेगी। और आपको बता दें, जो लोग संकीर्ण मानसिकता से या इस प्रकार के किसी भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल पर, इतने प्रतिष्ठित चैनल पर कह रहा हूँ, अगर जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी बड़े पद पर हो, चाहे किसी भी बड़े पद पर। देश बंधु जी, वक्त की थोड़ी कमी है सुनील जी, बहुत मामले ऐसे हैं, किसान बहुत परेशान है, ऐसा नहीं परेशान है जी। ठीक है, आप कृषि यंत्र को जांच कराइए, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ आपसे, और देख लीजिए अगर न मिले आपको जी। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र के 9 साल पूरे होने वाले हैं, और इस 9 साल को लेकर कांग्रेस ने 9 सवाल भी खड़े किए हैं। बता दें कि जहां बीजेपी सरकार 9 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है, तो लगातार कांग्रेस 9 सवाल खड़े कर रही है और जवाब मांग रही है। फिलहाल वीकेंड चर्चा में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।